Assalamu alaikum. Next class of the fishes is the bony fishes. Their skeleton is made up of bone. Bony fishes are characterized by having at least some bone in their endoskeleton or scales. Bony operculum covers the gill opening and the lungs or swim bladder. These three characteristics are the basic differences between the bony fishes and the cartilaginous fishes. First one is bony fishes have some bone in their skeleton or scales. Gills are covered with a bone operculum and lungs or swim bladder is present in this class, while all these three structures mostly absent in the previous class or the class chondrichthyes. Any group that has at least 20 this group at least has 24 species, and it is the major life form in the earth's vast aquatic habitat, must be judged very successful from the evolutionary perspective. The first fossil of the bony fishes are from late Silurian period. This is the evolution of the fish, bony fishes. You can get first fossils of bony fishes from the late Silurian deposits approximately 405 million years ago. By the Devonian period, 350 million years ago, the two classes were in the midst of their adaptive radiations. क्लास सार्को टेरा जाए. अच्छा, जो पिछले एडिशंस थे बुक में, उसमें क्लास ऑस्टिक फीस के अंदर ही सारी बोनी फिशेज आएंगी, लेकिन अब यहाँ पे जो है मॉडिफिकेशन इन्होंने की है. क्लासिफिकेशन आपको मैंने पहले भी बताया था कि 100% ऑथेंटिक कोई भी नहीं होती. इन्होंने वहाँ पे ये सार्को टेरा जाए और एक्टिनो टेरा जाए का लोअर लेवल था, अब इन्होंने यहाँ पे सार्को टेरा जाए और एक्टिनो टेरा जाए को क्लास लेवल पे कर दिया है. मेंबर्स ऑफ द क्लास सार्को टेरा जाए हैव मस्क्यूलर लोब्स एसोसिएटेड विद देयर फिन्स एंड आर एंड यूजुअली यूज लंग्स इन गैशियस एक्सचेंज. अच्छा, अब ये जो हैं एनिमल्स, इनके जो फिन्स हैं उनके साथ मोस्टली मस्क्यूलर लोब्स होते हैं. दीज आर द फिन्स ऑफ द फिशेस. ठीक है, इसके साथ मसल्स मस्क्यूलर लोब्स अटैच होंगे और ये ज़्यादातर गैशियस एक्सचेंज के अंदर लंग्स को यूज़ करते हैं. वैसे होना तो ये चाहिए ना कि पानी के अंदर रह रही हैं तो फिश को लंग्स नहीं गिल्स यूज़ करने चाहिए. अब इनका ये जो एक ग्रुप है, वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द सार्कोटेरिजेंस आर द लंग फिशेस. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू टू. ओनली थ्री जनरा लिविंग टूडे एंड लिव इन द रीजन्स वेयर सीजनल ड्रॉट्स आर कॉमन. आपको इस लंग फिशेस के थ्री जनरास आजकल मिलेंगे और उन इलाकों में मिलते हैं जहाँ पर जब गर्मी का सीज़न आता है ना, ड्रॉट कहत पड़ जाता है या पानी वहाँ से खुश्क हो जाएगा. अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि लंग फिश सर्वाइव कैसे करती है. व्हेन फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर्स बिगेन टू स्टैगनेट, कहते हैं गंदा होना शुरू हो जाते हैं, यानी मिट्टी वाला और ड्राई होना शुरू हो जाते हैं. देखें, वाटर जो है उसे हमेशा क्लीन होना चाहिए जिसमें फिश ने रिस्पायर करना है. अगर आप एक्वेरियम के अंदर, आप लोगों में से अक्सर लोगों ने एक्वेरियम रखे होंगे, ऐसा तो आप लोग कभी भी नहीं करते कि एक्वेरियम के अंदर मुट्ठी भर के मिट्टी की डाल दी. अगर आप ऐसा करेंगे तो वो जो मिट्टी है वो फिश के गिल्स के ऊपर चिपकना शुरू हो जाएगी और फिश जो है सांस नहीं ले पाएगी, दम घुटने की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी. दिस फिशेज यूज लंग्स टू ब्रेथ इन एयर. अब जिस वक्त बस वाटर रिजर्वायर्स ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं या गंदे होना शुरू हो जाते हैं, तो ये फिशेस जो हैं लंग्स को यूज़ करती हैं एयर में सांस लेने के लिए. सम नियोसेराटोडस इनहैबिट द फ्रेश वाटर्स ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया. दे सर्वाइव स्टैग्नेशन बाय ब्रीदिंग एयर, बट दे नॉर्मली यूज गिल्स एंड कैन नॉट विदस्टैंड टोटल ड्राइंग. अच्छा, अब ये जो ये है न्यूसेराटोडस, ये लंग्स को यूज़ करती हैं फॉर रिस्पायरेशन, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही ड्राई एनवायरनमेंट में, जैसे हम ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, ये ऐसा नहीं रह सकती. अदर्स आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर रिवर्स एंड लेक्स इन द ट्रॉपिकल अफ्रीका, प्रोटोटेरस एंड ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका. लेपिडोसायरन, दे कैन सर्वाइव व्हेन लेक्स और रिवर्स आर ड्राई बाय बर्विंग इनटू द मड. जिस वक्त दरिया या खुश्क होना शुरू हो जाते हैं तो ये बॉटम में बर्विंग करती हैं और वहाँ पे अपने आप को बरी कर लेंगी. दे कीप अ नैरो एयर पाथवे ओपन बाय
बबलिंग एयर इन टू द एयर टू द सर्फेस। अब ये सर्फेस एयर के साथ एक्सचेंज कैसे करती हैं, इनके पास लॉन्ग हॉलो ट्यूब होती है और इन्होंने ना जो इनकी बर होती है उससे वो ट्यूब बाहर निकाली हुई होती है। जब सबस्ट्रेट ड्राई होता है तो वहाँ पे आपको एविडेंस, अगर लंग फिश की चाहिए तो आपको अर्थ के अंदर छोटी सी छोटा सा होल या ओपनिंग मिलेगी जिससे ये एयर के साथ एक्सचेंज कर रही होती हैं। लंग फिशेस में रिमेन इन एस्टिवेशन फॉर 6 मंथ्स और मोर। एस्टिवेशन डॉर्मेंट स्टेट है जो एनिमल को ड्रॉट की कंडीशंस या ड्राई पीरियड्स के साथ रहने में हेल्प करेगा। व्हेन रेन अगेन फिल्स द लेक और द रिवर बेल्ट, लंग फिशेज इमर्ज फ्रॉम देयर बरोज टू फीड एंड रिप्रोड्यूस। जब दोबारा से जो बारिश है वो फिल कर देगी दरिया को तो ये निकल आती हैं अपने बरों से और ये फीड करेंगी और रिप्रोड्यूस करेंगी। अ सेकेंड ग्रुप ऑफ सार्कोटेरेजेंस, सार्कोटेरेजेंस का सेकेंड ग्रुप जो है वो है सीला कैंस। द मोस्ट रिसेंट सीला कैंथ फॉसिल्स आर फाउंड आर मोर देन 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड। In 1938, however, people fishing in the deep water off the coast of South Africa brought up one fish that was identified as coelacanth. Abhi 1938 mein ek fish ko South Africa se leke aaye the aur usko identify kiya gaya as a coelacanth. Usse pehle hum samajhte the ki ye sare extinct group hai, fossilized hai. Since then numerous other species have been caught into deep water along with the Comoro island of Madagascar. The discovery of this fish, Latimeria Columani, was a milestone event because coelacanth had previously been known only from the fossil record. अब इस लैटिमेरिया स्पीशीज को जो कैप्चर किया गया ये एक बड़ा इनकलाब था क्योंकि इससे पहले हम ये समझते थे कि ये सारी फिशेज फॉसिलाइज फॉर्म में है। अब इसका वेट 80 kg तक था और इसके पास हैवी स्केल्स थे। अ सेकेंड स्पीशीज ऑफ द coelacanth लैटिमेरिया मेनाडोनेंसिस was discovered in 1997 off the coast of the Indonesia. Ancient coelacanths live in the freshwater lakes and rivers. Thus the ancestors of the Latimeria must be moved from freshwater habitat to the deep sea. ये कहते हैं कि ancestral जो coelacanths थे वो freshwater और rivers में रहते थे और जो Latimeria के ancestors हैं वो freshwater से deep sea में उन्होंने migration की थी। A third group of sarcopterygians is the Tetrapodomorpha, became extinct before the close of the Paleozoic era. Tetrapodomorpha Paleozoic period ख़त्म होने से पहले extinct हो चुके थे। This group include the ancestors of ancient amphibians and all the tetrapods. और ये जो group है इसमें amphibians और तमाम tetrapods के ancestors शामिल थे। ये देखें ये coelacanth, the two species of Latimeria, the only surviving coelacanth, इनके heavy scales थे और इनका weight तकरीबन 80 kg तक था। उसके बाद ठीक है, ओके, दिस इज़ द कम्प्लीशन ऑफ द क्लास सार्कोटेरेजेंस। थैंक यू।